हजारीबाग में रेल जोड़ो जन आंदोलन के द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर जन आंदोलन को लेकर आम सभा का किया गया आयोजन। हजारीबाग में रेल जोड़ो जन आंदोलन के द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर जन आंदोलन को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में यह मांग की गई कि हजारीबाग से महानगरों के लिए एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा अन्य ट्रेन भी दी जाए। जन आंदोलन के माध्यम से कार्यक्रम के अध्यक्ष शशिभूषण केसरी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष पूर्व रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, परंतु तब से लेकर आज तक हजारीबाग के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अब तक एक भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं दी गई और लोग आज भी महानगरों के लिए जाने के लिए या तो कोडरमा या तो रांची जाते हैं। हजारीबाग रेलवे स्टेशन का निर्माण केवल कोयला ढोने के लिए किया गया है। जन आंदोलन के माध्यम से बताया गया कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को 4 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इन 4 महीनों में हजारीबाग से किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन नहीं होता है तो 30 जनवरी को रेल रोको जेल भरो आंदोलन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस जन आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। रेलवे स्टेशन परिषद में आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन करने का सिर्फ एक ही मुख्य मांग है, सभी महानगर से हजारीबाग रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाए। इसको लेके केंद्र सरकार, रेलवे मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को 4 महीना का अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं। यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो 30 जनवरी को हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे, रेल जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हजारीबाग के जनता 7-8 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आज जनता को इंसाफ दिलाने के लिए हजारीबाग रेल जोड़ो जन आंदोलन के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है और मैं हाथ जोड़ के रेलवे मंत्री से अनुरोध करेंगे कि हम लोग को मांग को बहुत जल्द पूरा किया जाए। यदि नहीं पूरा करते हैं तो आने वाले 4 महीना में हजारीबाग रेल जोड़ो जन आंदोलन के द्वारा एक भी कोयला का ट्रेन यहां से नहीं चलने दिया जाएगा। बस यही बात कह के अपने बातों को हम अब करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। 1000 करोड़ रुपया से स्टेशन बना, और भी स्टेशन जितने भी बने हैं कोडरमा से लेके बड़का खाना सब छोटा स्टेशन है, लेकिन ये 16000 करोड़ रुपये खर्च किया गया इसमें, और माननीय प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन किए। उद्घाटन के दिन यही जज्बा लोगों का रहा कि मोदी सरकार और केंद्र सरकार हमारी अपनी है, और सारे लोग उत्साहित हुए कि ट्रेन मिलेगा, ट्रेन मिलेगा, लेकिन ट्रेन नहीं मिला, ये एक सेल्फी पॉइंट मिला। आज के डेट में संडे उंडे को या मंडे को लोग आते हैं यहाँ सेल्फी पॉइंट बना करके फ़ोटो खींचते हैं। प्रवासी मजदूर हमारे ज़िला से हर राज्य में, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, सभी जगह ट्रेन की ऐसी स्थिति है कि कोई ट्रेन नहीं है, रांची उतरना पड़ता है, उसके लिए 7-8 हज़ार रुपया बरकट्ठा और जाकर कहीं भी आने के लिए उसको भाड़ा देना पड़ता है अपने परिवार के साथ। दूसरा, इसका अगर कोई मरीज को भेलोर रेफर किया गया है और मरीज जाना चाहता है भेलोर, तो उसको 7x14000 रुपया अप डाउन पहले रांची का करना होता है, तब भेलोर जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब रही बात कि हम लोग का मेन आंदोलन है कि आज सांसद या स्थानीय जो भी हमारे नेता हैं वो गए रेल मंत्री से, वादा तो आज 7-10 वर्षों किया जा रहा है, लेकिन पटरी बिछी और सिर्फ कोयला का काम हुआ, कोयला ढुलाने का काम, राजस्व मिल रहा है लोगों का, उनका कहना है कि राजस्व नहीं आएगा, राजस्व नहीं आएगा, माननीय सांसद महोदय ने कहा, लेकिन राजस्व आ रहा है, हमारे क्षेत्र से कोयला आप लेके ही जा रहे हैं तो राजस्व ही आ रहा है। अब यात्री ट्रेन अगर बढ़िया बढ़िया कर देंगे तो राजस्व क्यों नहीं आएगा, आएगा। तो यही हाल है, हम लोग का यही मांग है, हम लोग आगे भी यह आंदोलन जारी रखेंगे। इसके बाद हम लोग केंद्रीय मिनिस्टर से भी मिलने का प्लान हुआ है कि केंद्रीय मंत्री से मिल करके अब आम जनता और हम लोग एक पोस्ट कार्ड का माध्यम सरकार के सहयोग से कोयला यहाँ से भेजा जाता है दूसरे प्रांतों में, ग्राउंड क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, और क्यों सरकार इस पर विचार नहीं कर रही? देखिए, राज्य में सरकार, राज्य की जो सरकार है इसमें विचार कर भी रही है और कोशिश भी है उनका कि देखिए कि कोई भी डेवलपमेंट का काम सरकार में, और हम लोग चाहते हैं यहाँ की लोग चाहते हैं, यहाँ के वासी चाहते हैं, शुरू से जब रेलवे स्टेशन बना ही था तब से हम लोग का सपना था, तब हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से चलेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे कहीं भी जाने के लिए, चाहे रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे कोई भी एरिया हो, मगर आज तक ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाया, तो इस चीज़ का हम लोग को बहुत दुख है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये, हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं यहाँ से रांची, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोयला ही जा रहा है, इंसान नहीं जा रहे हैं, तो ये हमें लगा कि रेलवे स्टेशन बन तो गया मगर सिर्फ वो कोयला ढोने के लिए बना, और जब जब यहाँ पर स्टेशन बनी थी तब तो सरकार
देखिए आज 4 बजे से मुख्यमंत्री का कैबिनेट का बैठक है, लेकिन आज तक कैबिनेट की बैठक आएंगे और आज से जो शुरुआत हुई है जन आंदोलन की, और हम लोग ये आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचेगी, केंद्र तक भी पहुँचेगी, और ये आवाज़ रुकेगी नहीं। हम रुकेंगे, लोग यहाँ के नहीं रुकेंगे अब चिल्लाने से। हम हजारीबाग वासियों के साथ एक धोखा हुआ है। राजा कहते हैं कि बगीचा मत दिखाना, आम खिला देना, और यदि सवाल कोई करे तो उसको गुठली गिनती में लगा देना। उसी तरह हम लोगों का हजारीबाग रेलवे स्टेशन मिला है। आप यही भी देखेंगे कि बार बार प्लान बनता है कि हमारे यहाँ प्लेन उतरेंगी, उसके लिए DPR में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। आप देखिए रेल जो बना हमारा 8 वर्ष का समय हुआ, जब हम लोग ने आंदोलन करने के लिए कमेटी बनाने की जब सुगबुहाट स्टार्ट किया हम लोग, तब MP साहब का एस्टिमेट दिया गया कि भाई रेल आएगा। इसके बाद तुरंत 3 दिन के बाद जो हमारे विधायक साहब भी जाके दिए हैं कि भाई अब ट्रेन आएगी। बहुत खुशी की बात है, हमारे दोनों प्रतिनिधि आगे आए हैं, लेकिन हम लोगों का ट्रेन नहीं देना सरकार की छल है। और इसके बाद जो हम लोग का रणनीति है वो है रेल रोको जेल भरो का हम लोग का एक ऊंचा आंदोलन। जन आंदोलन भी किया गया है, एक स्थानीय नागरिक की कितनी जरूरत हो है ट्रेन की, यहाँ पर क्या कहेंगे? ट्रेन की तो काफ़ी ज़रूरत है, और हमारे पुरखों के समय से यह डिमांड रहा कि हजारीबाग में ट्रेन आना चाहिए। मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यशवंत सिन्हा जी का, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में ऐसे नेता मिले जिन्होंने इसे ज़मीन पर उतारा। अब समस्या है लाइन बिछ गई है, अब ट्रेन आने की, तो ट्रेन के लिए हजारीबाग को एक स्लीपिंग सिटी कहते हैं, सोया हुआ शहर है, यहाँ कोई आंदोलन नहीं करते हैं, सबको इंतज़ार रहता कोई नेता लाके कुछ ना कुछ देगा तब हम चलेंगे। लेकिन इनका बहुत अच्छा प्रयास है कि ये लोग यहाँ पर आंदोलन का एक रूपरेखा तय करके यहाँ प्रयास शुरू किए हैं। हम लोग भी इनके साथ हैं कि हजारीबाग को कोई स्लीपिंग सिटी न कहे। और रही बात रेल आने की, तो रेल तो लोकसभा स्तर पे ही निर्णय होता है कि कहाँ पे रेल कौन सा एक्सप्रेस चलाया जाए, तो यहाँ के सांसद काफ़ी प्रयास तो कर ही रहे हैं कि उस स्तर पे रेल आए। उम्मीद करते हैं कि हमारा रेल 3-4 महीने में यहाँ कोई ना कोई एक्सप्रेस। देखिए चुनावी घोषणा था सांसद का कि हवाई चप्पल वाले प्लेन जाएंगे, मगर ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसा बात नहीं है, जब ये उड्डयन मंत्री थे उस समय हवाई चप्पल वाले काफ़ी लोग ट्रेन प्लेन में सफ़र किए हैं। और रही रेल की बात, तो रेल आएगा 4-6 महीने में, मुझे लगता है एक्सप्रेस यहाँ चलने लगेगा। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का प्रेशर रहेगा सरकार पे, केंद्र सरकार पे, कि जल्द से जल्द यहाँ ट्रेन चालू हो जाए, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं।